अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपको अपने चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली नई और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज का नुस्खा ऐसे भाइयों के लिए है कि जिनकी मनी जो है वो बहुत ही पतली है और उनकी वो जो है हमल जो है उनकी बीवी को नहीं ठहरता, यानी हमला नहीं हो रही, उनके यहाँ औलाद नहीं पैदा हो रही। तो ऐसे मर्दों के लिए जो है ये नुस्खा बहुत ही शानदार है। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप लंबे अरसे तक हम बिस्तरी कर सकते हैं, यानी आपकी टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी मनी जो है गाढ़ी और तेज़ हो जाएगी और एक ही झटके में जो है आपका हमल जो है वो ठहर जाएगा और हर तरह की कामयाबी इस से नुस्खे से आप हासिल कर सकेंगे। आप हमेशा की तरह बच्चे के बाप बन जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जब आप मुबाशरत कर रहे होते हैं तो जैसे ही फारग होते हैं तो आपके नफ्स में ढीलापन आ जाता है और वो दोबारा से पहले की हालत में आ जाता है, यानी छोटा हो जाता है और आप इसी टाइम दोबारा सेक्स नहीं कर पा सकते, बल्कि कुछ देर के बाद दोबारा जो है आपके अंदर मनी बनती है जिससे दोबारा शहवत का एहसास होता है और फिर जो है आप सेक्स करने के काबिल होते हैं दूसरी दफ़ा। तो दोस्तों, जिस मनी कम होगी, जब कमी आप मनी जो है आपके अंदर, तो आपका जो नफ्स है वो कम सख्त होगा और उसकी सख्ती जो है वो कम हो जाएगी और टाइमिंग भी जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी और जितनी मनी ज़्यादा होगी आपके अंदर उतनी ही आपके नफ्स में ताकत ज़्यादा पैदा होगी और मनी का प्रेशर भी इतना ही ज़्यादा होगा जिससे आपको सेक्स के दौरान बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बीवी भी खुश रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, तो ऐसा ही नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जिसके इस्तेमाल से आपकी मनी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसमें स्पर्म्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और आप जो है औलाद पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, नुस्खा के जो अज्जा हैं वो नोट कर लें: समंदर सूख 5 तोला, ताल मखाना 3 तोला, छिलका इसबगोल 5 तोला और कोज़ा मिसरी 10 तोला। नाज़रीन, आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है और तैयार किस तरह से करना है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कूट कर पीस लें और उसके बाद आधा चम्मच रोज़ाना सुबह और शाम दूध के साथ खा लें। 10-15 दिनों में आपके अंदर जो है मनी की किल्लत जो है वो दूर हो जाएगी और इस दौरान आपकी अम्बिस्त्री नहीं करनी और उसके बाद जब आप लोग अम्बिस्त्री के काबिल होंगे तो मनी जो है इतनी ज़्यादा होगी कि जिसके बाद औरत के अंदर हमल ठहरने के इम्कान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली इसी तरह की नई और मालूमती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।